जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संगीतन चैनल पर। कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास या अग्रहायण मास भी इसी कहते हैं, इसका शुभारंभ हो रहा है। इस बार यह महीना 16 नवंबर शनिवार से प्रारंभ होगा और 5 दिसंबर तक मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास रहेगा। अब इस महीने का महात्म्य जानते हैं। यह नवा महीना है, इसे अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहा जाता है और सभी महीनों में यह महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा हुआ है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ यानी अगहन मास हूँ। इस महीने से ही सतयुग का शुभारंभ हुआ था और इस महीने में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इसी महीने में कश्यप ऋषि ने काश्मीर की रचना की थी। यह महीना यानी मार्गशीर्ष महीना जप तप दान और तपस्या के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना 12 महीनों में बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह महीना ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समझा जाता है, या आप यूं भी कह सकते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण का यह महीना मार्गशीर्ष महीना है। इस महीने में यदि मौका मिले तो पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें, इसका बहुत ही सुफल है। प्रतिदिन आप नहीं कर सकते, किंतु यदि मौका मिल जाए तो पवित्र नदियों में स्नान जरूर कीजिए। यह महीना पूजा जप तप दान के लिए बहुत ही प्रशस्त माना जाता है। इस महीने में कृष्ण की उपासना का बहुत सुफल प्राप्त होता है। कृष्ण के बहुत से मंत्र हैं जिनका आप जप कर सकते हैं। यदि आप कुछ न जप कर सकें तो कृष्ण 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 इस नाम का ही जप आप कीजिए, भगवान कृष्ण की कृपा निश्चित रूप से मिलेगी। यह महीना अपने आप में एक सर्वोत्तम महीना माना जाता है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान का ध्यान करना और ब्रह्मवेला में स्नान करना, तुलसी को दीपक दान देना, तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री राम का विवाह भी इसी मास में हुआ था। यह महीना तेल मालिश के लिए उत्तम महीना माना जाता है। सिद्ध वस्तुओं का सेवन भी इस महीने में किया जाता है। जीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए और मोटे वस्त्र भी के धारण करने की शुरुआत भी इस महीने से की जाती है, क्योंकि ठंड की शुरुआत भी इस महीने से होती है। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं किंतु शाम को नहीं कर रहे हैं तो संध्या उपासना इस महीने में जरूर कीजिए। यह भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना जाता है और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया हुआ था। गीता का पाठ प्रतिदिन कीजिए। यदि न संभव हो तो कम से कम 11वें अध्याय का पाठ आप प्रतिदिन कीजिए, किंतु उत्तम तो यह होगा कि आप प्रतिदिन इसका पाठ कीजिए। और इस महीने में यदि आपके कोई गुरु नहीं हैं और हैं तो भी अब आप भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वरूप में मानकर उनकी पूजा कीजिए और गुरु का मार्गदर्शन यानी भगवान कृष्ण के बताए हुए वचनों का पालन भी कीजिए। दीपक दान तुलसी पर अवश्य कीजिए और संतान प्राप्त की कामना के लिए भी
यह महीना एक उत्तम महीना माना जाता है। और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए संकीर्तन का इस महीने विशेष महत्व है। कृष्ण नाम संकीर्तन आप कीजिए, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस कीर्तन की लिंक भी मैं आपको नीचे लिख रहा हूँ। यह हमने इस महीने का महात्म्य और क्या करना चाहिए बताया। आगे भी आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। जय श्री कृष्ण।